Hello friends and students, this is the part 3 of our chapter 7. In this video we will learn about inserting, deleting any cell, row or column. मतलब हम अपनी जो टेबल हमने बनाई है उस टेबल के अंदर कोई भी सेल, रो या कॉलम हमें या तो इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है. ये टेबल कैसे बनाते हैं वो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं. तो अब हम देखते हैं, अगर मान लो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है किसी सेल की, तो अगर हमें कोई सेल इंसर्ट करनी है तो जहाँ भी आपको सेल इंसर्ट करनी है आप पहले, यानी जिस सेल की जगह पर आपको एक नई सेल चाहिए उस सेल पर हम क्लिक कर देंगे. जैसे मान लो ये 54 वाली जो सेल है मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है. उसके बाद मैंने बताया था दो टैब आ जाएंगी. इस दो टैब में अगर डिज़ाइन टैब है तो आपने लेआउट टैब में आ जाना है, ठीक है. ये अपीयर हो जाएंगे. तो लेआउट टैब में आने के बाद यहाँ पर रोज एंड कॉलम ग्रुप है और इस ग्रुप का ये लॉन्चर बटन है. तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इंसर्ट सेल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा. इसमें आपको चार ऑप्शन दिखेंगे. फर्स्ट है शिफ्ट सेल राइट, मतलब कि हम एक सेल इंसर्ट करने वाले हैं, बट जब इंसर्ट करेंगे तो इस सेल की जगह तो नई सेल आ जाएगी, बट ये जो सेल है ये कहाँ जाएगी. तो ये अगर हम करते हैं शिफ्ट सेल राइट तो ये सेल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है. तो जैसे मैं हम एक बार करता हूँ, ओके किया, तो आपने देखा ये जो सेल थी वो एक एक राइट चली गई, तो एक एक्स्ट्रा निकल गई है और यहाँ पर एक नई सेल इंसर्ट हो गई है, ठीक है. अब मैं अंडू कर देता हूँ, ये मैंने अंडू कर दिया, वापस आ गए हम इसे. दूसरा तरीका है, मैंने इसी पे क्लिक किया, शिफ्ट सेल डाउन. अगर मैं डाउन करूँगा तो ये वाली जो सेल है वो कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ. तो ओके करूँगा तो ये 54 जो था वो नीचे की तरफ चला गया, 74 उसके और नीचे चला गया और यहाँ पर एक नई सेल इंसर्ट हो गई. फिर मैं फिर से अंडू कर लेता हूँ. तो ये था सेल इंसर्ट करने का तरीका. या एक और भी तरीका, अगर आप राइट क्लिक करें इसी सेल पर तो इंसर्ट का ऑप्शन आएगा और इसमें एक लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट सेल. इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर से वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. तो आप इनमें दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज करके सेल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं रोज या कॉलम इंसर्ट करना है आपको, ठीक है. तो रो या कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप पहले एक सेल को सिलेक्ट करेंगे. कौन से सेल को, जिस सेल की आपको लेफ्ट या राइट में कोई कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है. कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कोई भी सेल, जैसे मान लो आपको ये वाली हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने यहाँ पर कॉलम इंग्लिश बनाया है, हिंदी बनाया है, SST बनाया है, ठीक है. सॉरी हिंदी नहीं है तो इंग्लिश, मैथ और SSI. अब मुझे बाद में ध्यान आया कि इस नेम और इंग्लिश इसके बीच में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक कॉलम होना चाहिए था. तो कॉलम होना चाहिए था तो क्या करेंगे, मुझे कॉलम कहाँ चाहिए, इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में. तो जिन दोनों के बीच में चाहिए उन दोनों में से किसी भी कॉलम की कोई भी सेल हम सेलेक्ट कर लेंगे, या तो इस कॉलम की सिलेक्ट कर लो या इस कॉलम की, ठीक है. तो जैसे मैंने मान लो ये मोहन वाला जो सेल है ये सिलेक्ट कर ली. अब मुझे देखो इस कॉलम की जो वो चाहिए, कॉलम कहाँ चाहिए, इस कॉलम के राइट में चाहिए, है ना. तो मैं क्या करूँगा, अब ये सिलेक्ट कर लिया, फिर लेआउट टैब में जाके यहाँ पर रोज एंड कॉलम ग्रुप में ही इंसर्ट अबोव बिलो लेफ्ट एंड राइट. तो अब मुझे कहाँ चाहिए, राइट में चाहिए, तो मैं राइट वाले पे क्लिक करूँगा तो इस सेल के राइट में कॉलम आ गया, ठीक है. अब मैं यहाँ पे हिंदी लिख सकता हूँ, उसके मार्क्स लिख सकता हूँ, ओके. बट मैंने अंडू किया. या आप इधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस कॉलम में से कोई सेल सिलेक्ट कर ली, मैंने 75 सिलेक्ट की. अब इसके मुझे कहाँ चाहिए, लेफ्ट में कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट लेफ्ट करूंगा तो इसके लेफ्ट साइड में कॉलम आ गया, ठीक है. तो फिर से मैं अंडू कर देता हूँ. ऐसे ही रो चाहिए, जैसे हमने देखा रोल नंबर 1 का डेटा डाल दिया, 3 का डाल दिया, 4, अरे रोल नंबर 2 का तो डेटा डाला ही नहीं बीच में. तो अब क्या होगा, क्या होगा, 1 और 3 के बीच में मुझे क्या चाहिए, एक रो चाहिए कंप्लीट. तो जो भी जिन दोनों के बीच में चाहिए उन दोनों में से किसी भी एक रो की कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेंगे. जैसे मान लो मैंने 54 कर ली या 3 कर ली, कोई भी सेल सेलेक्ट लो इन दोनों रो में से जिनके बीच में चाहिए, ठीक है. वो जो सेल सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपको सोचना है कि अब इस सेल के ऊपर चाहिए आपको रो या नीचे चाहिए. जैसे अब 3 को सेलेक्ट किया तो इसके मुझे ऊपर चाहिए, तो इंसर्ट अबोव, तो इसके ऊपर एक रो आ जाएगी. अब यहाँ पर हम रो नंबर 2 का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं. तो मैं अंडू कर दिया. या मैं ऊपर वाली रो को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने राम को सिलेक्ट कर लिया, अब इसके नीचे रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो, तो ये
यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, तो अब भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन से, तो इंसर्ट अबो और इंसर्ट बिलो से क्या होता है, रो इंसर्ट होते हैं, क्योंकि देखो किसी भी सेल के ऊपर या नीचे क्या इंसर्ट हो सकता है, रो ही इंसर्ट हो सकती है। किसी भी सेल के ऊपर कोई कॉलम तो इंसर्ट हो ही नहीं सकता, ना ही उसके नीचे कॉलम इंसर्ट हो सकता। कॉलम तो क्या होगा, उस पूरी लाइन में ही होगा, तो उस सेल के ऊपर का मतलब है तो वो तो इस सेल के अंदर से भी गुजरेगा। ठीक है, तो इंसर्ट अबोव और बिलो में क्या हो सकता है, सिर्फ रो इंसर्ट हो सकता है, किसी भी सेल के ऊपर या नीचे रो इंसर्ट होगी। और इंसर्ट लेफ्ट, किसी भी सेल के लेफ्ट में क्या इंसर्ट हो सकता है, कॉलम, और राइट में भी कॉलम। तो ये दोनों ऑप्शन कॉलम इंसर्ट करते हैं, ये दोनों ऑप्शन रो को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब दूसरा मेथड और भी है, जैसे कोई भी सेल आपने सेलेक्ट कर लिया है, यही मैंने जो पहले बताया रो एंड कॉलम, ठीक है, इसका लॉन्चर बटन क्लिक करते हैं, तो वही जो दो सेल आए थे, पहली दो जो ऑप्शन है ये तो सेल इंसर्ट करते हैं, उसके बाद है इंसर्ट एंटायर रो। तो जो आपने सेल सेलेक्ट कर रखी है, अगर मैं इंसर्ट एंटायर रो करूंगा, तो उस सेल से पहले, यानी मैंने आई मुझे ध्यान नहीं, मैंने ये सेल की थी या ये सेल, तो जो भी की होगी, तो इसके पहले यानी इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ। अब चलो मैं याद कर लेता हूँ, मैंने मोहन को सिलेक्ट किया है, ठीक है, फिर से यहाँ पे क्लिक किया और एंटायर कॉलम अगर मैं करूँगा तो कॉलम कहाँ आएगा, इस सेल के पहले आएगा, यानी यहाँ पर, तो ओके किया, सॉरी क्या गड़बड़ कर दी पता नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। मोहन वाले को सिलेक्ट किया, अच्छा मैंने इसको चेंज नहीं किया, इंसर्ट एंटायर कॉलम करना था और ओके किया, तो यहाँ पर इसके पहले एक कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रो या कॉलम इंसर्ट इससे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, और अंडू करके, या फिर दूसरा ऑप्शन वही भी है जो अभी राइट क्लिक किया था, अगर हम किसी भी सेल में राइट क्लिक करते हैं इंसर्ट ऑप्शन आएगा, इंसर्ट में भी वही चार ऑप्शन जो यहाँ पे है ये यहाँ पर शो हो रहे हैं, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबोव, इंसर्ट रो बिलो। ठीक है, तो इनमें से भी वो कोई भी ऑप्शन यूज करती है, सेम वही ऑप्शन है जो यहाँ पर है, तो यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो, जैसा भी आप करोगे वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रो या कॉलम या सेल इंसर्ट करना आप सीख गए हैं। अब वैसे ही हम डिलीट करना सीखते हैं, कि अगर हमें कोई भी सेल डिलीट करनी है, तो सबसे पहले तो जो सेल डिलीट करनी है, सपोज करो मुझे ये डिलीट करनी है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यही लेआउट टैब में एक डिलीट ऑप्शन आया है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डिलीट सेल, अगर मैं डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ तो वही डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और वही दो ऑप्शन आएंगे कि ये तो डिलीट हो जाएगी, ये सेल यहाँ से डिलीट हो जाएगी, तो अब जो इसके आसपास की जो सेल्स हैं उनको कहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि अगर इसको डिलीट करने का तो मतलब क्या, यहाँ पे ये जगह खाली हो जाए तो बाकी जो चीज़ें हैं वो इसकी जगह लेंगी, ये तो तभी खत्म होंगे ना जब कोई और चीज़ यहाँ पे आ जाए। ओके, अदरवाइज तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ 75 को डिलीट करूँ तो सेल तो डिलीट नहीं हुई ना, वैल्यू डिलीट होगी, सेल डिलीट होने का मतलब तो है जब कोई दूसरी सेल इसकी जगह पे आ जाए। तो शिफ्ट सेल लेफ्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो सेल्स हैं इसके राइट साइड में वो लेफ्ट में आ जाएंगे, मतलब ये 94 और 87 एक के स्टेप इधर आ जाएगा, 94 यहाँ आ जाएगा, 87 यहाँ, कर लेते हैं ओके, तो ये हो गया। ठीक है, फिर से मैं अंडू करता हूँ, तो इसी सेल को सिलेक्ट रखते हैं और फिर डिलीट सेल पे क्लिक किया, अब की बार अगर मैं करता हूँ शिफ्ट सेल अप, तो अब की बार ये डिलीट हो जाएगी, जो नीचे वाले सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ओके करूँगा, ये सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, फिर से मैं अंडू कर लेता हूँ, ओके। तो इस प्रकार सेल्स हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट सेल का ऑप्शन आता है तो भी वही सेम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रो को इंसर्ट करना हो, तो रो को इंसर्ट करने के लिए भी बिल्कुल सेम मेथड है, जो भी रो आपको इंसर्ट करनी है उस रो की कोई भी सेल आप सेलेक्ट कर लो, जैसे मान लो ये रो नंबर 3 आपको डिलीट करना है, तो इस सेल की कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स में ही डिलीट ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको डिलीट रो, अगर रो डिलीट करनी है तो डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, तो जो सेल सेलेक्ट थी वो कंप्लीट रो डिलीट हो जाएगी। ओके, फिर मैं अंडू कर देता हूँ, या कोई कॉलम डिलीट करना है, मानो ये इंग्लिश वाला कॉलम डिलीट करना है, तो इस कॉलम की कोई भी एक सेल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ उसमें, वो सेलेक्ट हो जाएगी। ये करने के बाद डिलीट पे करता हूँ, डिलीट कॉलम कर देता हूँ, तो इंग्लिश वाला कॉलम जो है वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी रो या कॉलम भी आप डिलीट कर सकते हैं, आप मल्टीपल रो भी कर सकते हैं, जैसे आपने दो सेल ये सेलेक्ट कर ली, दोनों रो करनी है डिलीट। ठीक है, तो डिलीट में जाऊंगा, अगर मैं डिलीट रो करूंगा तो ये 1 और 3 ये दोनों ही रो कंप्लीट डिलीट हो जाएंगे, तो केवल जो रो नंबर 4 वाली रो थी वो बच गई है। ओके,
ओके, ऐसे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आप जिन मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया, अब ये तीनों ही कॉलम डिलीट करना है। अगर मैं डिलीट कॉलम करता हूँ तो ये तीनों कॉलम, ये कॉलम भी, ये कॉलम भी, ये कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो जो सेल आपकी सेलेक्ट होंगी वो सेल जिस भी रो या कॉलम में आते होंगे वो रोज एंड कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यू सेलेक्ट फ्रॉम दिस। अगर आप कॉलम सेलेक्ट करोगे तो कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे, रोज सेलेक्ट करोगे तो रोज डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद है डिलीट टेबल। डिलीट अगर टेबल डिलीट करने तो पूरी टेबल की भी कोई भी सेल आप सेलेक्ट कर लें, पूरी टेबल में से कोई भी सेल, बस आपने क्लिक किया डिलीट ऑप्शन पर, क्लिक किया डिलीट टेबल पर, क्लिक करेंगे तो पूरी ही टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से अंडू कर लेता हूँ मैं टेबल को वापस लाने के लिए। या दूसरा तरीका ये भी है, जो ये जो मूव हैंडल था, अगर इस मूव हैंडल पे मैं राइट क्लिक करूँ तो भी डिलीट टेबल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अंडू करता हूँ और शायद हो सकता है यहाँ पे भी आता हूँ, मैंने चेक नहीं किया। राइट क्लिक करने के बाद इसमें डिलीट सेल या डिलीट टेबल का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे पास, तो वही दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो डिलीट के लिए आपको याद रखना है यहाँ से ही करना है, या तो डिलीट टेबल यहाँ, या फिर जो मूव बटन है इस पर राइट क्लिक करना है। ओके, या फिर एक और काम कर सकते हैं आप, इस पे सेलेक्ट करने के बाद, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया और पूरी टेबल जब सेलेक्ट हो जाए तो आप डिलीट बटन, ओके नहीं से तो डेटा डिलीट होगा, तो ये चलो याद रखना है, ऐसे तो सिर्फ डेटा डिलीट होगा, ओके टेबल डिलीट नहीं होगी। तो ये थे हमारे रोज कॉलम्स या सेल को इंसर्ट करना या डिलीट करना, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी टेबल्स के बारे में और भी बहुत कुछ हमें सीखना है, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।